ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रवीण पाठक के गनर की शिकायत पर पुलिस ने जान से मारने की धमकी देने वाले मोबाइल धारकों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल प्रवीण पाठक ग्वालियर दक्षिण से पूर्व विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार थे। एक रोज पूर्व जब ग्वालियर के एमएलसी एमएलबी कॉलेज में मतगणना चल रही थी तो वे अपना मोबाइल गनर को देकर चले गए थे। उनके मोबाइल पर 3 अलग अलग नंबरों से फोन आए जिसमें प्रवीण पाठक की हत्या करने की धमकी दी गई है। इंदरगंज पर आरक्षक जोगेंद्र सिंह 14 बटालियन एसएफ ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई कि कल वो मतगणना स्थल पर था और पूर्व विधायक प्रवीण पाठक का गनमैन है, उनका मोबाइल उसके हाथ में था और वो मतगणना स्थल पर थे विधायक जी। तो उस फोन पर उनके फ़ोन पर विधायक के फ़ोन पर एक कॉल आया जिसमें उसने उनको बताया कि प्रवीण पाठक विधायक की हत्या शाम को 6 बजे तक कर दी जाएगी और 3 अलग अलग नंबरों से आया। उस संबंध में आरक्षक की जो गनमैन है उसकी रिपोर्ट पर से थाना इंदरगंज में धारा 506 507 का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। नंबर जो है वो इंटरनेशनल कॉल से और बाहर के यूरोप के हैं तो उसको टेक्निकल आधार पर सर्च करके कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, कोई चुनावी रंजिश है या? अब प्रथम दृष्टया तो चूंकि इन्वेस्टिगेशन पर मालूम पड़ेगा कि कॉल कहाँ से थे, तो जब पता चलेगा कि क्या इसके पीछे आशय था।